मैं बता रहा हूँ, ये शाहरुख खान एक नंबर का एंटी नेशनल है। नहीं क्यों बे, अबे देश के लिए किया ही क्या है इसने? कोविड के टाइम मोर देन 100 करोड़ डोनेट किए, 70,000 से ज्यादा पीपी किट्स डोनेट करी देश के अलग अलग राज्यों को, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सपोर्ट किया, कैंसर पेशेंट्स के लिए काम किया, अपनी फाउंडेशन मीर फाउंडेशन के थ्रू हजारों लाखों फैमिलीज को हर साल खाना प्रोवाइड करते हैं। बातें बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम बहुत कम है बताने के लिए। हाँ वो तो ठीक है, पर एक्टिंग कहाँ आती है उसे? एक्टिंग नहीं आती होती ना तो यूएसए, यूके और फ्रांस जैसी बहुत सारी कंट्रीज में आज उनके करोड़ों फैंस नहीं होते। और एक्टिंग की बात करा ना, जाके स्वदेश, माय नेम इज खान, राम जाने जैसी फिल्में देख और फिर बोल। अबे पर आज की डेट में ना सिर्फ एक्टिंग से कुछ होता नहीं है। मेरे बच्चे वो इंडिया के इकलौते एक्टर हैं जिन्हें दुनिया के हर कॉन्टिनेंट से अवार्ड मिला हुआ है। अरे मेरे बच्चे, और यहाँ तक फ्रांस के 2 सिविलियन अवार्ड भी मिल रखे हैं जिनमें से उनका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिल रखा है। 1997 में इंडियाज बेस्ट सिटीजन का अवार्ड भी मिला हुआ है। और यहाँ तक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने भी उन्हें सम्मानित किया गया ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। और हाँ मेरे बच्चे, वो दुबई के ब्रांड एम्बेसडर है। तेरा पूरा खानदान कभी नहीं गया होगा दुबई, वो दुबई के ब्रांड एम्बेसडर है। पढ़ा लिखा नहीं होगा दादा, जाहिल है। सारी बातें मैं ही बताऊँ, कुछ तो गूगल कर ले। मैं क्यों तेरी बात मानूँ, मैं तो भक्त हूँ। तू भक्त नहीं है, तू कीड़ा है। भक्त शब्द का अपमान मत कर।